हाँ तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको ध्यान तो हो गया, अपना 3.3 जो है 3.3 नंबर की जो एक्सरसाइज है मैट्रिक्स, वह चल रही थी ना। और बाय चांस कोई आज जुड़ा है बच्चा, तो मैं फिर कहूँगा उससे कम से कम इस चैप्टर की पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी ना। तो कल हमने जो पढ़े थे, दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो ट्रांसपोज पढ़ा था, है ना, याद दिला दूं, रो को कॉलम में बदल दो, है ना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। अच्छा, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज है क्या कहलाएगा भाई, ए डैस कहलाएगा। ए का ट्रांसपोज ए डैस से व्यक्त होगा, और कैसे प्राप्त हुआ करता है, रो को कॉलम में बदलने से, कॉलम फिर अपने आप ही रो बन ही जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने कल पढ़ी थी, सममित तथा क्या विषम सममित, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या है, सुन लो, ने यदि ए डैश का मान ए के बराबर ही आ जाए तो ए मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, सममित कहलाएगी। और अगर ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर आए तो क्या कहलाएगी, विषम सममित। ठीक है, अगर ए डैश ए के बराबर आए तो सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आए तो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए होंगे, है ना। सुनो, अब क्वेश्चन लें इस पे बेस्ड, एक और इसके सममित और विषम सममित का गुणधर्म है, सममित अथवा विषम सममित के लिए एक गुणधर्म है, गुणधर्म मतलब एक नियम है, सुन लो क्या नियम है। पहला, आप भले ही कोई भी मैट्रिक्स ले लो ए बराबर, मर्जी है जो ले लो आप, ठीक है, कोई भी ए मैट्रिक्स ले लो मर्जी है जो, उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ो। पर ध्यान रहे, मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांसपोज करने पे कई बार जुड़ नहीं पाती। ए डैश लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि किताब में ए डैश से व्यक्त है। तो यदि किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ा जाए ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश है ना, सदैव कैसी रहेगी भाई, सममित रहेगी। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, यदि उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है उसके बारे में कह रहा हूं कि वो सममित होगी। और इसी का एक दूसरा नियम है, काम पड़ेगा ध्यान में रखना, ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए माइनस ए डैश, ये सदैव विषम सममित मैट्रिक्स होगी, सदैव कौन सी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी।
ए प्लस ए डैश तो सदैव सममित मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश सदैव विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ध्यान में रखिएगा, कैसा सिद्ध करके दिखाओ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखूं क्या दिख रहा है ना साफ? हाँ दिख तो रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने साहब, अरे हल गया ना, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स लेनी चाहिए ए बराबर, मैं चेक कर रहा हूँ ये कथन सही है क्या। तो ए बराबर मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लो 2 1 3 -1 4 2 3 0 5, ये तो कोई ए मैट्रिक्स है, हमें ए डैश की भी आवश्यकता पड़ेगी। निकाल लो भैया ए डैश भी, लो ए डैश निकाल लेते हैं। रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, रो को कॉलम में 2 1 3 -1 4 2 3 0 5, ये तो ए है और ये ए डैश है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ए प्लस ए डैश को भी और ए माइनस ए डैश को भी। तब ए प्लस ए डैश जोड़ के देखना, ए प्लस ए डैश को क्या चेक करना है कि ए प्लस ए डैश का जो रिजल्ट आएगा वो सममित है कि नहीं है। इसका काम पड़ने वाला एक क्वेश्चन है, दसवां, दसवें क्वेश्चन में इसका काम पड़ने वाला है। तो ध्यान से समझ लो, कथन क्या है कि ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मैंने जनरली बना ली एक, उसमें अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी, अभी होने वाली है प्राप्त, वो सममित होगी। चेक कर रहे हैं ए प्लस ए डैश जोड़ना जरा, 2 और 2 4, 1 माइनस 1 0, 3 और 3 6, -1 प्लस 1 0, 4 और 4 8, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 2 2, और 5 प्लस 5 10। इसको मैं बी मान लेता हूँ, बी किसे, ए प्लस ए डैश को मैंने क्या मान लिया, बी। अच्छा अब मैं बी के बारे में कह रहा हूँ कि बी सममित है। मैंने क्या कही है, ए प्लस ए डैश का जो रिजल्ट आएगा ये रहा, ये सममित है। तो कैसे पुष्टि होगी सममित की, इससे पहले चलो, किसी मैट्रिक्स को अगर आपको सममित देखना है, ठीक है, एक मिनट मुझे डाउट हो जाता है सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है। तो मैं बी डैश ज्ञात कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज 406 को यूं कर दो, 406 082 6 to 10 देखना, बी की वैल्यू और बी डैश की वैल्यू समान है ना, बी बराबर और इसका ट्रांसपोज दोनों समान है। यहाँ बी डैश बराबर कितना है, बी, अर्थात बी
सममित है। और छोरो बी हमने किसको माना हुआ है, ए प्लस ए डैस को, अर्थात बी सममित है ना, यानी कि ए प्लस ए डैस सममित है। ठीक, ये कौन सा हो गया, पहला वाला। अब a माइनस ए डैश की भी पुष्टि करते हैं। पुनः a माइनस ए डैश, ये तो a है और ये a डैश है, घटाओ दो में से दो गए तो जीरो, एक में से माइनस एक गया तो दो, तीन में से तीन गए तो जीरो, माइनस एक में से एक गया तो माइनस दो, चार में से चार गया तो जीरो, दो में से जीरो गया तो दो, तीन में से तीन गया तो जीरो, जीरो में से दो गया तो माइनस दो, पाँच में से पाँच गया तो जीरो। ए माइनस ए डैश निकाल ली मैंने ना, इसको मैं चलो सी कह देता हूँ। अब हमारा कथन है कि ए माइनस ए डैश जो है ना वो विषम सममित है। ए माइनस ए डैश कितने के बराबर सोची हुई है, सी के बराबर है, यानी कि सी विषम सममित है। चेक करें सी विषम सममित है या नहीं है। तो देखो सी डैश निकाल के देखो कितना आता है। चलो भैया निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, जीरो दो जीरो को माइनस दो जीरो दो को, जीरो माइनस दो जीरो को, ठीक है, सी डैश बराबर तो इतना आया। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो देखना जरा, सी डैश बराबर माइनस कॉमन लूंगा ना तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। जीरो का तो चिन्ह क्या बदलेगा, परंतु दो जीरो माइनस दो जीरो दो जीरो माइनस दो और जीरो, ये सी डैश का मान आ गया। जरा गौर फरमाओ ये सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो सी डैश बराबर कितना, माइनस सी। अगर सी डैश बराबर माइनस सी है ना, इसका मतलब सी विषम सममित है। यही तो विषम सममित ज्ञात करने का तरीका होता है, बता रखा है ना मैंने, इसलिए आप लिख सकते हो अर्थात सी विषम सममित है, अर्थात सी विषम सममित है भाई। ठीक है, तो ये जो दो कथन लिखे हैं इनकी पुष्टि की है मैंने एग्जाम्पल लेके। आप चाहें तो इन्हीं एग्जाम्पल को लेकर नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी तरफ से ए बराबर लेके और फिर आप पुष्टि कर सकते हैं। तो ये तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा ना। अब मैं ये मिटा के, अपन तीन पॉइंट कितनी थी जाने, तीन थी शायद, इसके क्वेश्चनिंग पर पहुंचते हैं ना। चलो ढंग से करते चलना, चार नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है चार नंबर का, तुम कह साहब ये तो तीन नंबर का आ गया।
अब मुझे लग रहा है पहले दूसरे इस तरह के क्वेश्चन तो आपने जहाँ तक कर ही लिए होंगे भाई, मन तो नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैं तीसरा क्वेश्चन करा दिए देता हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इनको कराऊंगा तो तुम्हारी प्रतिभा पर शंका सी होने लगती है और ये ठीक नहीं है, आपकी प्रतिभा पर शंका उठे। आपको ए डैश बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा रहा हूं मैं, 3.3 का, ठीक है। थोड़े लिखने विखने की शैली देख लेना किस तरीके से लिखना है आपको, है ताकि नंबर मिल जाए। आप लिखना यहां मैं ए डैश मैट्रिक्स को लिख रहा हूं, 3 -1 0 4 2 1। अच्छा, बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, -1 2 1, है ना भाई, 1 2 3। और फिर आपसे पूछा है पहला कि सत्यापित करो क्या, सत्यापित करो कि a प्लस बी पर डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। देखो आपके पास a डैश दी हुई है, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर जाएंगे, ए और बी समझ बैठेंगे, फिर इसमें रखोगे तो ए प्लस भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, आपसे दिक्कत आएगी, समझ रहे हो ना। तो ये ए डैश है ना कि ए, तो पहला कर रहे हैं हम, लिखो चूंकि ए इतना है तो ए डैश इतना होगा। मैं क्यों ज्ञात कर रहा हूं, इसका LHS और RHS निकालेंगे भाई, सत्यापित कैसे होगा जब ये सत्य निकल जाए। सत्य कब निकलेगा, जब इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू बराबर आ जाए, तो इधर की वैल्यू कैलकुलेट तो हो सकती है, फिर भी बी डैश चाहिएगा और इधर की वैल्यू में ए चाहिएगा। सवाल में ए नहीं दे रखा और बी डैश नहीं दे रखा, बी डैश नहीं दे रखा है, बी दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, चूंकि ए डैश इतना है, कितना, 3 -1 2 0 1, तो ए कितना होगा, इसका ट्रांसपोज बता रखा है मैंने, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें तो ए आ जाता है, बाकायदा ट्रांसपोज के गुणधर्म में मैंने लिखाया था, इसका ट्रांसपोज ये है और इसका ट्रांसपोज ये है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो ए आ जाएगी। यू वाले को यू लिख दो, 3 -1 0 4 2 1। अच्छा, इसी प्रकार हमारे पास बी है ना कि बी डैश, तो बी तो आपको दिया हुआ है, -1 2 1 1 2 3, तो बी डैश की आवश्यकता है कितना हो गया, रो को कॉलम बना दो, -1 2 1 1 2 3। हमने ए और ए डैश लिख के रख लिए, बी और बी डैश लिख के रख लिए। अब आप LHS और RHS की वैल्यू निकाल दीजिए, तो पुनः लिख के कुछ LHS पे आ जाओ, LHS है ए प्लस बी पर डैश, तो पहले तो आप ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी, ए की वैल्यू तो है ये रही, 3 -1 0 4 2 1, प्लस बी, LHS सॉल्व करना चाह रहे हैं, LHS तो ए प्लस बी पर डैश है ना,
तो मैं पहले a प्लस बी निकाल रहा हूँ, a प्लस अब यहाँ b, ये रहा माइनस वन टू वन, वन टू थ्री, जोड़ो दोनों को, थ्री प्लस माइनस वन कितना टू, माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू, जीरो प्लस वन वन, फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस टू फोर, और वन प्लस थ्री फोर, ये आ गया ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है क्या? अच्छा, एल एच एस तो ए प्लस बी पर डैश है, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, अतः ए प्लस बी का ट्रांसपोज छुरक कर दो, यू वाले को यू लिख दो, आर वन को सी वन में कन्वर्ट कर दो, टू माइनस टू वन, फाइव फोर फोर, ये एल एच एस है। ठीक, अब आर एच एस पे आ जाओ, आर एच एस है ए डैश प्लस बी डैश, आर एच एस ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश कहाँ है, ये रहा थ्री फोर माइनस वन और टू, जीरो वन प्लस बी डैश, ये रहा माइनस वन वन, टू टू वन थ्री, ए डैश प्लस बी डैश रख दिए। अब दोनों को आप जोड़ दो, थ्री माइनस वन टू, फोर प्लस वन फाइव, माइनस वन प्लस टू वन, टू प्लस टू फोर, और जीरो प्लस वन वन, वन प्लस थ्री फोर, बराबर नहीं आए भाई, कोई गड़बड़ हो गई, माइनस टू फोर, वन फोर टू फाइव, ये माइनस टू आना चाहिए, या तो पहले वाले में मिस्टेक हो गई हमसे, माइनस वन प्लस टू वन आता, ये वन बिल्कुल सही है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, अब मैच कर गया भाई। ठीक है, तो ये तो एल एच एस की वैल्यू और ये आर एच एस की वैल्यू, लिखना आप यहाँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, उसका मैंने पहला वाला सत्यापित कर दिया है, मेरा ख्याल है दूसरा वाला आप लोग कर देंगे। अब मैं एक चौथा छोड़ रहा हूँ, पांचवा कर रहा हूँ, क्वेश्चन इजी हैं, इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट में छोड़ देना।
अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, होने तो कुछ इसी तरीके का है, पर करा रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर जी तो ज़्यादा जंप कर गए एकदम, बाकी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें सत्यापित करना है क्या कि ए बी पर डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। अच्छा, ये मैंने आपको गुणधर्म में लिखाया था, ठीक है कि नहीं है? ये जो चीज़ है मैंने आपको इसके गुणधर्म में लिखवाई थी। अब एज ए एग्जाम्पल लेके इसको ये सत्यापित करवा रहा है, कर दिए देते हैं, क्या दिक्कत है? लो, पहले वाले में करते हैं। यदि ए बराबर इतनी मैट्रिक्स हो, कितनी, 1, -4 और 3, बी इक्वल टू -1, 2 और 1। अब सत्यापित करते हैं, कर तो आप चुटकियों में सकते हैं, थोड़ा सिस्टम और देख लेना कैसे करना है। देखो, बी डैश और ए डैश की आवश्यकता पड़ने वाली है ना, तो पहले ज्ञात करके रख लें, क्या सिद्ध करने को समझ लो क्या करना है कि ए और बी का गुणा करके और फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करके और उल्टे क्रम में गुणा करो। एक ही बात आनी चाहिए, ऐसा हमें सत्यापित करना है। तो देख रहे हैं भाई, क्या एक ही बात आती है क्या? तो हमें जब हल करेंगे तो बी डैश और ए डैश की आवश्यकता पड़ेगी, तब ए डैश की आवश्यकता पड़ेगी। रो को कॉलम बना दो, 1, -4, 3, और इसको बना दो -1, 2, 1। इसका ट्रांसपोज लिख लिया और इसका भी ट्रांसपोज लिख लिया। अब LHS और RHS पर चलते हैं। LHS वाले पोर्शन पर आ जाओ भैया, है ना। LHS क्या कह रहा है कि पहले गुणा करके फिर ट्रांसपोज करो, पहले गुणा करके और फिर ट्रांसपोज करो, करो गुणा पहले AB अर्थात A इंटू B, करो गुणा, ठीक है, ए बी है ना, तो रो का कॉलम से, ऐसे तो होता है, सभी कॉलम से। देखो इसका क्रम क्या है, 3/1, इसका 1/3, गुणा तो संभव है ये, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्रम, रिजल्टेंट मतलब गुणा होके जो आती है उसका क्रम कितना होता है, कोटि कितनी होती है, देखो ये होती है, ये 3/3 की होगी, कर रहा हूं रो का कॉलम से, करो भाई, 1 का इस कॉलम से, इससे इससे, तो यूं तो बने अकेला, इससे करेंगे तो -1, इसका फिर इससे करेंगे तो केवल 2 आने वाला है, क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है 1। अब सेकंड रो उठाओ और तीनों कॉलम से गुणा, तो सेकंड रो में हालांकि सिर्फ एक ही अवयव है, कौन, -4, तो -4 का गुणा इससे इससे इससे, करूं, करो, ए यहां किया तो 4, यहां किया तो -8, यहां किया तो -4, अब 3 का मल्टीप्लाई, इससे किया तो -3, इससे किया तो 6, इससे किया तो 3, ये तो आ गया ए बी।
तो हमें तो ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए बी का ट्रांसपोज करो आप। देखो कर दो इसका ट्रांसपोज, माइनस वन टू वन, फोर माइनस एट माइनस फोर, माइनस थ्री सिक्स थ्री। एल एच एस कंप्लीट कर दिया है, ए बी गुणा किया और फिर उसका ट्रांसपोज, ए बी ये आया और फिर इसका ट्रांसपोज। अब आर एच एस पर आ जाओ, लो बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश का गुणा। सुनो जरा आप, ये रहा बी डैश, माइनस वन टू वन इंटू ए डैश, कहाँ ए डैश, ये रहा वन माइनस फोर थ्री। करो भाई गुणा रो का कॉलम से, इससे करोगे तो माइनस वन, इससे करोगे तो फोर, और इससे करोगे तो माइनस थ्री। अब टू का करो तीनों से, इससे करोगे तो टू, इससे करोगे तो माइनस एट, और इससे करोगे तो सिक्स। अब वन का मल्टीप्लाई करो, इससे करोगे तो वन, इससे करोगे तो माइनस फोर, इससे करोगे तो थ्री। ठीक है क्या, बी डैश इंटू ए डैश बराबर इतना आ गया। ठीक, देखना जरा बराबर आए क्या, बिल्कुल सटीक बराबर आए। यहाँ ए बी पे डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश सत्यापित हो गया भाई, एल एच एस और आर एच एस बराबर प्राप्त हुए, चाहिए लिख दो प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पांचवे का जन कौन सा कराया, मैंने पहला कराया है, आप भले नोट कर सकते हैं या खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर छठवां लेना चाह रहा हूं। एक बार और ढंग से साफ कर देता हूं इसको, अच्छा साफ होता है तभी लिखने में आनंद आता है ना। क्वेश्चन नंबर छठवां आपने देख लिया होगा, किताबें नहीं है तो किताबें लाइए भाई। क्वेश्चन नंबर छठवां कौन सा करा दूं, कोई सही कर लो, पहला कर लेते हैं। चलो आपको यहाँ ए बराबर तो क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा
साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और हमें सत्यापित करना है क्या सत्यापित करना है ए डैश इंटू ए बराबर आई, ए डैश इंटू ए बराबर आई, ठीक है, ये हमें सत्यापित करना है। सरल सा ही है वैसे ज़्यादा, ए तो आपको दिया हुआ है ही है, ए डैश और ज्ञात कर लेते हैं ट्रांसपोज करके, ज्ञात में भी कोई है नहीं बड़ी प्रक्रिया चलानी पड़े, और दोनों का गुणा कर लेंगे, देखते हैं आई आती है कि नहीं आती। तब ए डैश बराबर कितना हुआ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, समझ रहे हो ना, सी वन को आर वन ऐसे मान लो, चाहे यूँ कि यूँ मान लो, और कौन सा कर दिया मैंने इसको यूँ, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये ए डैश हो गया और ये ए है। अब देखें क्या ए डैश इंटू ए कितना आता है, एल एच एस कह दो चाहे से आप, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये तो ए डैश इंटू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इन दोनों का गुणा करें भाई, रो का कॉलम से तो होता है, देखते हैं इकाई मैट्रिक्स आती है क्या, तो आर वन का सी वन से फिर सी टू से करेंगे, पहले सी वन से कर लेते हैं गुणा के नियम से, इसका जब इससे करेंगे तो उठा के यूँ रखते हैं यूँ, कॉस तो इस पर रखा हुआ आएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इससे गुणा करो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, अब इसका इससे करो, सेकंड रो उठा ली, अब दोनों कॉलम से कर देंगे, इससे करो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इसका इसके संग करो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ये जीरो जीरो एक, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक होता तो है भाई, यानी कितना आ गया आई, यानी कि ए डैश इंटू ए कितना प्राप्त हुआ है भैया आई, ये सर्वदा सत्य नहीं है, इस मैट्रिक्स के लिए है ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, सदैव सत्य नहीं है ये, ठीक, सदैव सत्य नहीं है। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर छठवा करा दिया है ना, सात और आठ में सिद्ध करवा रहा है क्या, सिद्ध करो सम्मित है या विषम सम्मित, ऐसे कुछ करके बता दिया मैंने तरीका भाई, ट्रांसपोज निकालो, क्वेश्चन नंबर सात की बात कर रहा हूं मैं, ए बराबर दे रखी है मैट्रिक्स सातवें में और सातवें में, सातवें के दो हैं पहले और दूसरे, दोनों में अलग अलग मैट्रिक्स दे रखी है, आप तो ऐसा करो ट्रांसपोज निकालो, अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है तो लिख दो यहाँ ए डैश बराबर ए,
अतः सममित है। और अगर ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तो लिख दो ए डैश बराबर माइनस ए, अतः विषम सममित है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा मैंने अभी अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा मैंने बिल्कुल अभी अभी किया था, जो गुरुधर्म से लिखाए थे ना बिल्कुल ऐसे थे। अभी मैं नवा क्वेश्चन करा रहा हूँ। नवा क्वेश्चन यहाँ ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। तो आपसे पूछ रहा है क्या 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करो। ये हमसे ज्ञात करवाया जा रहा है 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। तो सरल सही है वैसे तो, इसका काम पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। मैंने वो कथन बोले जोर इनको, इसलिए जानबूझ के पहले तुमसे करवाना चाह रहा है कोई बात, चलो कर देते हैं चाह रहा है तो। पहला 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 और मझला ब्रैकेट लगा देता हूं चाहे तो, ए प्लस ए डैश यानी ए पहले तो है सरल ही प्रक्रिया छोड़ो, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश, ठीक है 1/2 ए प्लस ए डैश इसी का ट्रांसपोज 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और ये लो 1/2 ए प्लस ए डैश। आगे हल कर दो, जोड़ दो, कुछ नहीं है इनमें, 0 प्लस 0 0 ए प्लस माइनस ए 0 बी प्लस माइनस बी 0 अरे भैया माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 0 मन तो ऐसा कर रहा है सबको 0 लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो आ नहीं रहे हो, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। ये तो 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू। दूसरा 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 और ब्रैकेट लगा देते हैं, ए में से ए डैश घटा दीजिए, ए तो खुद ही है ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश ये रहा ना 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 ठीक। घटा दो 1/2 0 माइनस 0
जीरो, ए माइनस माइनस ए टू ए टू ए, बी माइनस माइनस बी टू बी, माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, जीरो माइनस जीरो जीरो, सी माइनस माइनस सी टू सी, माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी माइनस टू सी जीरो। टू सब में से कॉमन आ रहा है, तो टू मैंने कॉमन लिया और वन बाई टू पहले से ही है, कितना बचेगा जीरो ए बी, माइनस ए जीरो सी, माइनस बी माइनस सी और जीरो, दो से दो कट गया। लो भाई क्वेश्चन नंबर नौ भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर नौ हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर दस कराने वाला हूँ आप लोगों को। आप ये पानी पिया है ना, आप ये नोट कर लो भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर दस देखो, ये तो सममित है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा, और ये विषम सममित है, भले ही ट्रांसपोज कर देख लेना, माइनस का आके ए आ जाएगा। तो मैंने कही ए प्लस ए डैश सदैव सममित, थोड़ी देर पहले कही थी, और ए माइनस ए डैश सदैव विषम सममित, ये कथन क्वेश्चन नंबर दस में काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उसको अपन ए मान लेते हैं, माना ए बराबर मान लें सिक्स माइनस टू और टू, माइनस टू थ्री माइनस वन, टू माइनस वन थ्री, ठीक है। ये तो आपको ए बराबर दिया हुआ है ना। अच्छा आपसे कह क्या रहा है, मैं तो दिमाग इधर उधर चला गया थोड़ा, कि इन आवियों को, इसको सममित आवियों और विषम सममित आवियों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तब हमें करना क्या है, देखो लिख रहा हूँ क्या करना है, कि ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग रूप में लिखना है। एको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग रूप में लिखना है, अर्थात यूं समझो आप, ए बराबर सममित प्लस विषम सममित, ए बराबर
सम्मित प्लस विषम सम्मित, इनका रिजल्ट ए ही आना चाहिए, ध्यान रखना। मैं कहूंगा 16 को दो सम संख्याओं के योग रूप में लिखो तो 10 प्लस 6 हलो के तो 16 ही आएगा, तोड़ दिया 10 और 6 में। ऐसे ही एक को तोड़ना है, एक तो सम्मित होनी चाहिए और एक विषम सम्मित होनी चाहिए। तो देखो आप पहले से जानते हैं कि a प्लस a डैश सदैव सम्मित होती है ना, a प्लस a डैश सदैव सम्मित होती है और a माइनस a डैश सदैव विषम सम्मित होती है। a प्लस a डैश तो सदैव सम्मित होती है और a माइनस a डैश सदैव विषम सम्मित होती है। अच्छा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना a को कि a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश लिख सकते हैं क्या? a डैश से तो a डैश कट गया, a प्लस a 2a हो गया, गलत है, इधर तो a है इधर 2a है। अच्छा अगर मैं यूं लिख दूं तो अब हल करो 1/2 a डैश प्लस का और 1/2 a डैश माइनस का, कट जाएंगे ना दोनों, 1/2 a डैश प्लस का और 1/2 a डैश माइनस का, कट जाएंगे दोनों और 1/2 a क्या हो जाएगा a। अच्छा पहला वाला हिस्सा सम्मित है कि नहीं है? सम्मित है और ये विषम सम्मित है, ये तो सम्मित है और ये विषम सम्मित है और दोनों का जोड़ क्या बैठ रहा है? ए। दोनों का जोड़ क्या बैठ रहा है? ए बैठ रहा है, ठीक है। तो आप जमा दो इसमें, ए जो है सम्मित और विषम सम्मित का योग कहलाएगी। मतलब 16 को यूं समझो कि 10 प्लस 6 लिखना है, इसको जोड़ोगे तो 16 आएगा, जोड़ना नहीं है ऐसे ही छोड़ना है, सेम जोड़ना नहीं है ऐसे ही छोड़ना है। जोड़ेंगे तो ए आएगा, जोड़ना नहीं है, जमा देवा में ए, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, ए लिख रहा हूं, दिख रहा है यहां तक? ओ पूरा दिख रहा है और आगे तक दिख रहा है। ए 6 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 3 बराबर 1/2, ब्रैकेट लगाओ, a प्लस a डैश लिखना भैया है ना, a लिख रहा हूँ, a 6 - 2 - 2 लिखंत चल रही है, लिखंत प्लस a डैश ट्रांसपोज 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 3 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, तो a कहाँ गया, इधर भी लिख रहा है ना, इसका ट्रांसपोज कर दिया कि मैंने,
कर दिया था ना, ए लिख रहा हूँ, ए यहाँ जमाऊँगा, ए तो ये रहा है ना, सिक्स माइनस टू टू, माइनस टू थ्री, माइनस वन टू, माइनस वन थ्री, माइनस इसका ट्रांसपोज सिक्स माइनस टू टू, माइनस टू थ्री, माइनस वन टू, माइनस वन थ्री, ठीक है। अच्छा ये तो जो कि तो सोलह तो ये रहा, सोलह की तरह तो ये व्यवहार करेगा, छ माइनस दो दो, माइनस दो थ्री, माइनस वन टू, माइनस वन थ्री, इक्वल टू वन बाई टू, जोड़ दो भाई इसको, लो छ और छ बारह, माइनस दो और माइनस दो माइनस चार, दो प्लस दो चार, माइनस दो माइनस दो माइनस चार, तीन प्लस तीन छ, माइनस एक और माइनस एक माइनस दो, दो प्लस दो चार, माइनस एक और माइनस एक माइनस दो, तीन और तीन छ, प्लस एक बटे दो, घटा दो घटा, छ माइनस छ जीरो, माइनस दो माइनस माइनस दो जीरो, दो माइनस दो जीरो, माइनस दो माइनस दो जीरो, जीरो 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 जीरो, संयोग से आ गया तो आ गया, कई बार नहीं आएगा ये जीरो, इसको तो जोंकी तो रखना है, बस दो का अंदर भाग दे देना, इतना ही करना है। लो आगे लिखे ही दो में फंदे कटे, पूरा सवाल लास्ट आंसर तक, छ माइनस दो दो, ये उतार रहा हूँ उस जगह, कुछ नहीं कर रहा हूँ है ना, माइनस दो तीन, माइनस एक दो, माइनस एक तीन, बराबर दो से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको छ माइनस दो दो, माइनस दो तीन, माइनस एक दो, माइनस एक तीन, दो से डिवाइड कर दिया और इसमें भी डिवाइड कर दिया तो जीरो 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 जीरो, इसके नीचे तो लिख देना सममित और इसके नीचे लिख देना विषम सममित, हो गया। दी हुई मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के योग रूप में लिख दिया, एक सममित है एक विषम सममित है, दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, दस और छः को जोड़ेंगे तो सोलह ही आएगा। अच्छा और सवालों में ये जीरो नहीं आया करेगा, कुछ ना कुछ आ जाएगी, संयोग से इस सवाल में आ गया है, सीखे के तरीका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, तो मेरे ख्याल से शायद 10 ही क्वेश्चन है कि ज़्यादा हैं, अरे ज़्यादा हैं, ये आप नोट करो, 11 और 12 दो क्वेश्चन हो रहे हैं, पूरा फंद ही काट के आप ये नोट कर लो, जब तक मिटा दूं क्या, चलो मिटा दे देते हैं, वो तो आप वीडियो रोक के नोट कर लेते होंगे। उदाहरण करके देख लेना और मैं देख लूंगा कोई उदाहरण ऐसा कराने लायक होगा तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आप, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ए तथा बी समान तो कोटि है इनकी, और सममित और हैं भैया, सममित आव्यूह, ठीक। आगे सुनो,
तो ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है, सममित है कि विषम सममित है कि तत्समक है कि शून्य है। सममित और विषम सममित वाले क्वेश्चन ज़्यादा चल रहे हैं, चेक करके देखते हैं। तब हमें ए बी माइनस बी ए की जांच करनी है। ए बी माइनस बी ए की जांच करनी है। अब जरा सुन लीजिए आप, ए बी माइनस बी ए, ए तथा बी समान कोटि के सममित आवयव है ना। तो इसका ट्रांसपोज करके देखो, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो सममित है। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो सममित है, और अगर माइनस के बराबर आए तो विषम सममित है। चेक करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज चेक करो। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अच्छा ध्यान है, ट्रांसपोज या डैश से व्यक्त कर देता हूँ। मैंने ट्रांसपोज के गुणधर्म में लिखाया था ऐसे कि ए प्लस बी पर डैश ए डैश प्लस बी डैश, डैश दोनों पर आ जाता है, लिखाया था। तो इस पर भी आ जाएगा, कौन पे है, ए बी पे भी आ जाएगा और बी ए पे भी आ जाएगा। अच्छा ये भी बताया था कि गुणा में जरूर पलट जाता है, जैसे ए बी पे डैश है ना तो बी डैश ए डैश, तो ए बी पे डैश है ना बी डैश ए डैश, माइनस ये पलट जाएगा ए डैश बी डैश। चूंकि ए तथा बी सममित हैं, सममित सवाल में दी हुई है, सममित हैं, तो ए डैश बराबर तो ए और बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। लियो भैया ठीक है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूं तो ए बी माइनस बी ए कितने के बराबर है, ये ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के बराबर। गौर फरमाओ, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, माइनस लग के आ गया। अगर किसी का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो तो वो विषम सममित होती है। हमें मालूम है कि यदि C डैश बराबर माइनस सी ना तो C विषम सममित होती है भैया। अतः ए बी माइनस बी ए कैसी है छोरो, विषम सममित है। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन था जाने, ये 11वें नंबर का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और रह गया मात्र और मात्र, कौन सा, 12वां। हालांकि ईजी है, आप लोग भी इसको कर सकते हो, छोड़ दूं क्या तुम पे, चलो लिख के ऐसे छोड़ दूंगा कि यूं यूं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, आपको यहां ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है, पूरा ही करा दूंगा ला, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तथा एक बात और दे रखी है सवाल में कि ए प्लस ए डैश बराबर कितना आई, तो एल्फा का मान क्या होगा, ए प्लस ए डैश बराबर आई तो एल्फा का मान क्या होगा।
तो अल्फा का मान देखो इसमें जमा दो तुम, तो ए जमाओ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए आ गया प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। तुलना करने छोड़ो तुलना, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2, अल्फा हो गया 60 डिग्री, मतलब π/3। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया ये, 12वें का। एग्जाम्पल करके देखिएगा, नहीं होते हैं तो डाल देना इसमें कमेंट बॉक्स में, है ना, करा देंगे। कल 3.4 स्टार्ट होगी आप लोगों की, कोर्स के बारे में निश्चिंत रहिए, टाइम से हो जाएगा और समझाते हुए भी हो जाएगा, है ना। धन्यवाद।